अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। माशाअल्लाह सब अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने भिंडी को पानी में डाल के रखे हैं। तो भिंडी को मैंने 2-3 बार अच्छे से धो लिए हैं। धोने के बाद इसको हम अभी कटिंग करेंगे। तो ये है 1 किलो, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है भिंडी। तो इसका हम बनाएंगे आज बहुत अच्छी सब्जी। तो इसको हम 2-3 पानी से धो लिए हैं, अब इसको हम कटिंग करेंगे। तब हम भिंडी को कट कर लेते हैं। तो हम आज दूसरे टाइप की भिंडी बनाएंगे, तो आप देखिएगा। तो इसको हमको कटिंग कैसे करना है, ये भिंडी को हमने 2 पीस कर लिया। 2 पीस करने के बाद इसको हमको 4 पीस करना है। बड़ा है तो 4 पीस करेंगे, छोटा रहेगा तो 2 पीस करेंगे। तो इसको हमको एक भिंडी का हमको ऐसे कटिंग करना है, सभी भिंडी को इस तरीके से। तो एक भिंडी मैंने अच्छे से कट कर ली हूँ, दूसरा भिंडी भी आपको कट करके दिखा देते हैं कि इसको कैसे कटिंग करना है। तो ये छोटा है तो इसको मैं 2 पीस करूँगी, और 2 पीस करने के बाद इसके बाद फिर मैं 2 पीस करके इसको 4 पीस कर लेंगे हम। तो इसी तरीके से ये ऐसे आप अगर भिंडी बनाइएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। भिंडी जो मसाले वाले नहीं खाते हैं ना, तो उसके लिए ऐसा फ्राई भिंडी बनाइएगा तो बहुत शौक़ से खाएंगे। तो अभी हम सारे भिंडी को हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो हमने ये भिंडी को सारे कटिंग कर लिए हैं अच्छा से, 4 पीस कर करके। बड़ा भिंडी था तो मैंने इसको सब कटिंग कर लिया था। वो कट करने के बाद अब इसको हम अब चलते हैं गैस की तरफ। तो ये हमारा रेडी हो गया। तो हम गैस ऑन कर लिए हैं और कढ़ाई हम चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई हमारा तेल डाल दिए। तेल डालने के बाद हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अब तेल गर्म हो गया तो अब हम डाल देंगे इसमें भिंडी। तो हम भिंडी को सभी डाल देंगे। डाल के हमको इसको धीरे धीरे चलाना है ताकि हमारा भिंडी टूटे ना। इसको हमको चलाना है अब फुल आँच में। इसको हमको पकाना है 5 मिनट कम से कम, फुल आँच में बनाना है। इसलिए कि हमारा ये भिंडी है ना, भिंडी में आप जानते हैं कि थोड़ा लसलसपन रहता है, चिपचिपा रहता है। तो ये हमारा जब तक चिपचिपापन ना निकल जाए भिंडी का, तब तक हम फुल आँच में इसको हम चलाते हुए पकाएंगे करके। तो हमारा एक भिंडी कटिंग नहीं हुआ तो इसको भी हम कट करके डाल लेंगे। तो इसको भी हम इसी तरीके से अभी हम हर 2 मिनट में इसको हमको चलाते रहना है। तो ये भिंडी को हम कट कर लेंगे। तो कट करके अब हम इसको चलाना है धीरे धीरे। हाथ से हमको चलाते हुए हमको इसको उलटते पुलटते हुए हमको इसको पकाना है, जब तक कि हमारा ये जो है चिपचिपा ये हमारा निकल ना जाए। तो इसको हम पका लेंगे। अभी हम मसाला नहीं डालेंगे, अभी कोई भी मसाला नमक हम नहीं डालेंगे। अभी हम ऐसे ही पकाएंगे भिंडी को। अब इसको हम चलाते रहेंगे। हमने चलाया है इसको बार बार, बीच बीच में हम इसको चलाए हैं, 2-3 बार हम चलाए हैं। तो भिंडी को हमको इसी तरीके से चलाना है। तो हमारा गैस अभी फुल आँच में है, तब तक जब तक इसका हमारा ये चिपचिपापन ख़त्म ना हो जाए। तो ये अब लग रहा है कि अब इसका चिपचिपा निकल चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो अब इसमें भी हम डाल देंगे, एक प्याज काट के डाल देंगे मोटा मोटा। इसको हम ज़्यादा रफली नहीं काटेंगे, हम मोटा मोटा काट के डाल देंगे भिंडी की तरह। तो इसको भी डाल के हम चला लेंगे साथ में। अब हम आँच गैस को हम धीमी आँच में कर देंगे। धीमी आँच में हम भिंडी को अब बनाएंगे। तो अभी हमने नमक भी नहीं डाले हैं, मसाला भी नहीं डाले हैं, अभी कुछ भी नहीं डाले हैं। ये जब तक हमारा भिंडी 80% पक नहीं जाएगा तब तक हम मसाले को अभी हम नहीं डालेंगे।
अभी हम इसको चलाते हुए इसको हमको पकाना है भिंडी को। तो आज हमने दाल सिंपल दाल बनाया है। दाल को मैंने धो के इसमें कुकर में डाल दिया और इसमें हल्दी और नमक डाल के मैंने सीटी लगा दी है। तो अब इसको हम दाल को बघार लेते हैं। दाल को दाल बघारने के लिए हमने एक छोटा साइज का प्याज ले लिए हैं, दो सूखी लाल मिर्च है, लहसुन है और खड़ा जीरा है। तो इससे हम दाल को बघारेंगे। तो ये सिंपल दाल बना रहे हैं, कोई ज़्यादा कोई हाई फाई दाल नहीं बन रहा है, सिंपल दाल। तो इसके लिए मैंने ये चार सामान हमने ले लिए हैं। तो अब हमारा तेल गर्म हो चुका है डेक्ची पे, तो इस पर हम डाल देंगे। अभी हम सारे डाल देंगे एक साथ। और हम चम्मच से चला लेंगे। तो ये हमारा दाल है, आज का रूटीन है, आज का हमारा सुबह से दोपहर तक का लंच तक का हमारा ये रूटीन है। तो इसके लिए अभी हमने भी भिंडी फ्राई कर रहे हैं और इधर हमारा दाल का तड़का हम लगाएंगे। तो दाल के तड़का के लिए इसको हम थोड़ा सा अच्छे से हम लाल होने देंगे, तभी जाके इस दाल टेस्ट बनेगा। और इधर हमारा भिंडी भी फ्राई हो रहा है, खूब अच्छे से भिंडी को हम फ्राई कर ले रहे हैं। जब हमने भिंडी काटा था तो हमारा भिंडी कितना लग रहा था एक प्लेट भिंडी है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन बनने के बाद ये बहुत कम हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है। तो अभी हम अब इसमें हम डालेंगे मसाला। तो थोड़ा सा हम और दो मिनट पका लेते हैं। तो हम थोड़ा बहुत मसाला डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा दो मिनट के लिए और पकाएंगे। अब इसको हम चला लेंगे कि हमारा तड़का तैयार हुआ कि नहीं। तो अभी नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा और हम लाल करेंगे, थोड़ा सा और लाल करेंगे। इसका सौंधापन मिर्चा का आएगा ना, सूखा मिर्चा का, लहसुन का और खड़े जीरे का, तो बहुत अच्छा लगेगा। कड़ी पत्ता रहता तो मैं कड़ी पत्ता भी डालती हूँ। टमाटर भी डालना था लेकिन दाल में टमाटर नहीं डालूँगी, इसलिए कि सबका तबीयत ख़राब चल रहा है घर में, तो बिना टमाटर का ही इसमें। अब टमाटर है तो टमाटर अब डाल सकते हैं, लेकिन आज हम नहीं डालेंगे। टमाटर है लेकिन नहीं डालेंगे। तो ये थोड़ा सा भी और लाल होगा। अब हमारा प्याज लाल हो चुका है, तो अब इसमें हम डाल देंगे दाल खूब अच्छे से। दाल पलट देंगे। अब पलटने के बाद इसको हम थोड़ा सा हम चला लेंगे। तो हमारा ये दाल हो चुका है। तो ये हमारा दाल बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब इसको हम चला लेंगे। चलाने के बाद इसमें अब हम मसाला डालेंगे। तो मसाले में सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर को डालेंगे, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और मिर्ची पाउडर भी आधा चम्मच। अब इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ बेसन है, तो इसको भी हम थोड़ा सा डालेंगे ज़रा सा, ताकि ये थोड़ा सा क्रंची लगे अच्छा। और इसको हम चला लेंगे, चलाते हुए इसको हम पकाएंगे। थोड़ा सा मसाला डालेंगे, हल्दी का थोड़ा स्मेल निकल जाए तो हम डालेंगे। थोड़ा सा बेसन और डालते हैं। तो भुना हुआ बेसन है तो इसको हम डालेंगे। इसमें अब हम डाल देंगे नमक। तो हम नमक को डालेंगे, हमने नमक नहीं डाले थे, अभी हम नमक डाल रहे हैं। तो हम नमक डाल के इसको चला लेंगे, भिंडी को हम चला लेंगे। तो ये बहुत अच्छा भिंडी लगता है। आप ये दाल चावल के साथ अब खाइएगा भिंडी ना, जो भिंडी नहीं खाते ना वो भी भिंडी खाएंगे, इतना अच्छा लगता है ये भिंडी का सब्ज़ी। तो इसको अब ज़्यादा हमको पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा 5 मिनट हम इसको फिर से आँच को थोड़ा तेज़ करेंगे। तेज़ करने के बाद हम इसको
चूरन चलाएंगे, एक मिनट तक चूरन चलाएंगे, इसको पकाना है सलाद में। भिंडी को, ये भिंडी आदमी चावल के साथ भी खा सकता है, इसको ऐसे भी खा लेगा भिंडी, भिंडी का सब्जी। अब देख सकते खूब अच्छा भिंडी फ्राई सब्जी, मसाले वाले से ज़्यादा अच्छा भिंडी फ्राई सब्जी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो हमारा भिंडी बन के तैयार हो गया। तो आप सबको कैसा लगा हमारा भिंडी का फ्राई भिंडी सब्जी? आपको अगर पसंद आएगा तो लाइक एक बार ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और इस नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे फिर मिलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। तो ये है हमारा भिंडी फ्राई रेडी हो चुका है तैयार दाल चावल के साथ खाने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा बना भिंडी फ्राई। भिंडी फ्राई दाल चावल काफ़ी, एक ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी है दाल चावल सब्जी।